मस्जिद नबवी के छोड़ के रवाना हो रहे हैं, खूब रोना आती है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल के इस मकाम को हम छोड़कर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिर आपको आबे जमजम मिलेंगे यार। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. मेरे दोस्तों उसकी बात हो गई, अब वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना, या बांग्लादेश या इंडिया दीगर ममालिक के लिए आप रवाना हो रहे हैं, तो मेरे दोस्तों खूब रोनाजारी करें कि हम रसूल के मकाम को छोड़ कर जा रहे हैं। ये सब हरियाली जगह मकाम मस्जिद नबवी को छोड़ के रवाना हो रहे हैं, खूब रोना आती है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल के इस मकाम को हम छोड़कर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिर आपको आबे जमजम मिलेंगे एयरपोर्ट में, वो ले लें, घर के लिए रवाना हो जाए मेरे दोस्तों। दुआ करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगे, फिर नमाज के पाबंदी करते रहें, जो अब हज से पहले काम की वो सारे काम को छोड़ें, जितना भी खराफात थे, जितना भी बकवास काम की, हलाल हराम की तमीज़ करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते रहें, जमात तरक ना करें, हमेशा हर वक्त अल्लाह की खुशनुदगी की नीयत से इबादत करते रहें, कुरान तलावत करते रहें। आपसे जो मुलाकात करने आते हैं इनको भी अपने वाकया बताते रहें हज की अंदर, तो मेरे दोस्तों ये सारे चीज़ें मैं हफ की तफसील के साथ मैं आपको बता दिया हूँ। अब इंशाल्लाह ताला हमारे वीडियो को जब देखेंगे आपको खुशी महसूस होगा कि कौन सी काम पहले करना है ना। तो अभी जो है दसवीं अरफात की बात, 10 तारीख को जो जो काम करना है वो मैंने बता दिया, फिर 11वीं तारीख को जो काम करना है, फिर 12वीं तारीख को जो काम करना है ना, उसके बाद जो है फिर आप जो मक्के में आने के बाद जिस तवाफ़ ज़्यारत करेंगे, 10वीं तारीख को 3 काम तो बहुत ज़रूरी है, वो शैतान बड़े शैतान को पत्थर मारना, कुर्बानी करना और सर का बाल मुंडाना यानी हलक करना, ये लाजमी है, 3 काम करना। उसके बाद आपको मौका मिल के नहा धो कर साफ़ सुथरों के इतर खुशबू लगा कर हम तवाफ़ ज़्यारत कर लें, और नहीं आए तो हमने आराम भी कर लिया, उसी आराम में 2 कपड़ों में मैंने तवाफ़ ज़्यारत कर लिया, मुझे मौका नहीं मिले, मुझे ऐसे लगता कि मैं मर जाऊँगा, तो मैंने यही सोच के कि भाई मैं पहले तवाफ़ ज़्यारत कर लूँ ताकि मेरे हज तो मुकम्मल हो जाए, हमने शुरू कर दी। साथियों को जब आगे बोला तो बोले यार आपने सारे सफ़ा मरवा के साहिब ही, मैंने बोला सब कुछ मैंने कर लिया, कुर्बानी हुए और हलक भी कर लिया, 55 रियाल देकर मैंने जो है ना सर मुंडाया, पैसे लिया इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। बहरहाल मौका नहीं मिला, वहाँ साथी नहीं मिल रहे थे उस वक़्त में, बहरहाल उस वक़्त में हमने तवाफ़ ज़्यारत भी उसी दिन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए, नफली हज भी करने की तौफीक अता फरमाए, हर वक्त जो है अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह हमारे बेटों को, हमारा औलादों को, हमारे आलिया को, हमारे बच्चियों को, सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे दोस्तों कुछ सवालात ना कुछ जवाबात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारे दोस्त कलीफ देखें, अब इसमें जो सवाल आप करेंगे या लोग सवाल हमें किए हैं उसकी जवाब इंशाल्लाह अब मैं आपको देता हूँ, तो आप तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह ताला वो बात भी आपकी समझ में आ जाएंगे।